हाय फ्रेंड्स, मैं शार्ली पंजाबी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ ब्रेड मलाई टोस्ट। इसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो बहुत ही कम है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मलाई। मैंने ये मलाई ली है, दो ही मैं पीस बनाकर दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई ले ली है, इस तरह से बड़े वाला चम्मच मैंने मलाई का लिया है। इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने आधे से कम टमाटर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये आधे से कम प्याज है, क्योंकि मेरी ब्रेड दो ही हैं। आधे से कम शिमला मिर्च बारीक बारीक काटी हुई है, और साथ में ये कॉर्न है। इन सबको मैं डाल दूंगी। इसको डाल के हम इसे अच्छे से हिला देंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी स्नैक्स है। घर में अगर कुछ नहीं है आपके तो आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये काली मिर्च। हमें ऐसे थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, चुटकी से थोड़ी सी ज्यादा। और इसमें हमें डालना है स्वादानुसार नमक। ये देखिए, बस ये दो चीजें ही इसमें मिलानी है हमें अच्छे से। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और साथ में मैं डालूंगी आधे से कम टोमेटो सॉस। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। ये देखिए, ये हमारा मटेरियल जो है बनकर तैयार हो गया है। मैंने तवे को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये मैंने ब्रेड पीस लिया है। अब ये सारा सामान हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। आप जितनी आपको ब्रेड बनानी है, जितना आपको मटेरियल है, आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे मलाई में बनाइए, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। ये देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें ये मक्खन है, मक्खन थोड़ा सा मैं इसे स्प्रेड कर दूंगी और हम इसको धीमी आंच पे ऐसे रख देंगे। और इसके ऊपर मैं डालूंगी ऑर्गेनो थोड़ा सा ऐसे, साथ में मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है इस तरह से। ये देखिए, बस इतना ही इसमें सामान डलता है। इसी तरह से हम इसका दूसरा भी बना के इसको ढक के रख देंगे। इसको ढकना बहुत जरूरी है, जिससे ये है कि जितना भी हमने मटेरियल डाला है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये दूसरा भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ। ये देखिए, इधर भी हम थोड़ा और लगा लेंगे मक्खन। ये देखिए, अब हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से काट लिया है थोड़ा तिरछा करके, और कितना बढ़िया हमारा ये ब्रेड मलाई जो है सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। आप इसे खाइए, बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।